देश आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी मना रहा है। बता दें, आत्मघाती हमले में भारत के करीब 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। भारत ने 12 के अंदर घर में घुसकर जवानों की शहादत का बदला लिया था। जापान के फुकुशिमा प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई। राजधानी टोक्यो में भी भूकंप का असर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.0 रही। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से मौत की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। घटना के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तपोवन सुरंग में 5 और शव बरामद हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 13 फरवरी तक 80 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, जबकि सेकेंड डोज के तहत पहले दिन 7,668 लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दर्ज किए गए 2.5 लाख केस वापस लेने का फैसला किया। इतना ही नहीं, जमातियों के खिलाफ धारा 188 के मुकदमे भी वापस होंगे। केरल में होने वाले चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून का सियासी बवाल जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में CAA लागू करने की बात कही, केरल के मुख्यमंत्री ने इसे साफ इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में यातायात पुलिस ने 32वीं सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सुबह 6:30 बजे सयाजी सर्कस से साइक्लोथॉन 2021 का सफल आयोजन किया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच होना है। आज यानी कि 14 फरवरी से तीसरे टेस्ट मैच के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। गुजरात क्रिकेट संघ के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की शूटिंग में बिजी है। वो मध्य प्रदेश में अपनी इस फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। हाल ही में कंगना ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें शूटिंग लोकेशन के पास कुछ लोग प्रोटेस्ट करते दिख रहे हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। पेट्रोल डीजल में करीब 30 पैसे की वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 0.29 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही 88.73 रुपए प्रति लीटर और डीजल 32 पैसे की वृद्धि के साथ 79.06 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।